नमस्कार साथियों, मैं विकेश कुमार एक बार फिर से आप सबको स्वागत करता हूं। साथियों, आज आपके बीच लाए हैं 67th बीपीएससी एंड सीडीपीओ के लिए फुल्ली मॉक टेस्ट। और यह साथियों प्रभात पब्लिकेशन का 14वां प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं आज के प्रमुख प्रश्नों को। पीडीएफ आपको नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, बना सकते हैं। कहता है, संसार वह अस्थिर और क्षणिक है, निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये साथियों गौतम बुद्ध के द्वारा कहा गया था, तो ये जो है बौद्ध धर्म से ही संबंधित है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है, 72 व्यापारी चीन में किसके कार्यकाल में भेजे गए थे? तो ये कुलोत्तुंग फर्स्ट के शासनकाल में भेजे गए थे। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है, सुखलदरी जलप्रपात कहता है किस नदी पर है? तो यह है फुलवारिया नदी पर है। तो फुलवारिया नदी किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो होगा इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है, हिंदू विधि द्वारा मान्य कर कितना था? तो हिंदू विधि द्वारा जो है मान्य कर था उपज का जो है 1/6, 1/6 उपज का 1/6। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है, मृगदाव जो कि सारनाथ में है और गौतम बुद्ध के द्वारा दिया गया यह प्रथम उपदेश था, तो कहता है इसे किस नाम से जाना जाता है? तो इसे धर्म चक्र प्रवर्तन के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है, सिंधु सभ्यता के बारे में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? तो कहता है सिंधु सभ्यता के बारे में कि नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, ये बात सत्य है। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सत्य है। और मातृ देवी की उपासना की जाती थी, ये भी सत्य है। कहता है, लोहे से परिचित थे, तो लोहा से परिचित सिंधुवासी नहीं थे, तो यही आपका गलत है। अगले प्रश्नों को देखें। अधोलिखित में कौन जो है गुप्तकालीन स्वर्ण मुद्रा था? तो गुप्तकाल में स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो दिनार। और चांदी के मुद्रा को कहा जाता था रोपिया का। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है, टोडरमल ने किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी? तो टोडरमल जो है भू राजस्व विभाग में अर्जित किया था, क्योंकि राजस्व विभाग का मालिक था अकबर। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है, मराठों के उत्कर्ष का निम्न में से कौन सा कारण नहीं है? तो मराठों के उत्कर्ष को देखें तो ये राजनीतिक जागृति ये नहीं था, उसके बाद धार्मिक चेतना था, भौगोलिक सुरक्षा था और उच्च नेतृत्व शक्ति इनके अंतर्गत था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है, उपनिषद का फारसी में अनुवाद किस मुगल शासनकाल में हुआ था? तो मुगल सम्राट जो था वो उपनिषद का फारसी में अनुवाद करवाया था, तो वो शाहजहाँ के शासनकाल में हुआ था, क्योंकि आपको पता है कि दारा सिखों के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? तो पुर्तगाली थे, जो कि 1498 में भारत आया था, और सबसे पहले आने वाले और सबसे बाद में जाने वाले पुर्तगाली ही था, क्योंकि गोवा को 1961 में आज़ाद किया था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है, भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ था? तो भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ था कब? तो ये हुआ था 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है, मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर निम्न में से किसके शासनकाल में आया था? तो मंगोल आक्रमण आपको पता है कि ये इल्तुतमिश के समय में हुआ था, तो इल्तुतमिश के समय में ही ये आया था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है, पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था? तो पानीपत के प्रथम युद्ध 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, और पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में हुआ था, जिसमें कि अकबर ने हेमू को हराया था, और पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में हुआ था। तो इस युद्ध में जो है मराठों को अफगान शासकों ने हराया था, क्योंकि अफगान और मराठों के बीच हुआ था, अहमद शाह अब्दाली के बीच। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है, सूची एक को सूची दो के साथ मिलान करना है, देखते हैं कौन किसे संबंधित है। तो ये आपका जो है दिया हुआ है क्लाइव। तो क्लाइव जो है ये क्या था, द्वैध शासन बंगाल और बिहार में, तो द्वैध शासन हो जाएगा रॉबर्ट क्लाइव का, क्योंकि ये 12 अगस्त 1765 को द्वैध शासन प्रारंभ किया था। और विलियम बेंटिंक को जाना जाता है किस रूप में? तो ये जाना जाता है अंग्रेजी शिक्षा के रूप में, और चार्ल्स मेटकॉप को जाना जाता है प्रेस पर प्रतिबंध हटाने के रूप में, क्योंकि प्रेस के मुक्तिदाता के नाम से चार्ल्स मेटकॉप को जाना जाता है। और लॉर्ड कर्जन को बंगाल विभाजन के रूप में जाना जाता है, क्योंकि 16 अक्टूबर 1905 को लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन किया गया था।
अगले प्रश्नों को देखें। कहता है भारत के निम्न व्यवसायों में से किसके काल में इंडियन पेनल कोड, सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किया गया था? तो ये सब जो है लॉर्ड कैनिंग के शासनकाल में ही पारित किया गया था। गियासुद्दीन तुगलक ने तिरहुत पर आक्रमण कर किसे पराजित किया था? तो तिरहुत पर आक्रमण करके हरि सिंह को पराजित किया था। तो हरि सिंह जो है आपका ऑप्शन में मौजूद नहीं है, तो हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है भारत की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई 1857 में जो प्रारंभ हुई थी 10 मई 1857 को, तो ये मेरठ से जो है प्रारंभ हुई थी। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1909 को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम 1909 के नाम से जाना जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है भारत में स्थानीय स्वायत्ता संस्थाएँ 1882 ईस्वी में सशक्त की गई थी किसके द्वारा? तो लॉर्ड रिपन के द्वारा सशक्त की गई थी, इसलिए भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक के रूप में लॉर्ड रिपन को जाना जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दी जाने की आश्वासन दिया था, तो निम्न आश्वासनों में से कौन सा जो है ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? तो पूरा किया था बात करें तो ये था कि रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी जाएगी। तो ये जो है समाप्त कर दिया था, क्योंकि राज हड़प की नीति जो है लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाया गया था, तो इसे कैनिंग के शासनकाल में समाप्त किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है 19वीं शताब्दी के दौरान होने वाले बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र, तो बहावी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पटना में हुआ था। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में से कौन स्वराज्य दल से संबंधित नहीं था? तो स्वराज दल की स्थापना 1923 ईस्वी में किया गया था 1 जनवरी 1923 को मोतीलाल नेहरू और फिर चितरंजन दास के द्वारा। तो इसमें अंगर विट्ठल दा भाई पटेल और मोतीलाल नेहरू थे, जबकि सी राजगोपालाचारी इस संस्था से संबंधित नहीं था। अगला सवाल देखें। निम्नलिखित में से सुमेलित करना है, सुमेलित करते हैं। कहता है इंडिया वेंस फ्रीडम, तो ये किसके द्वारा लिखा गया? तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया। और उसके बाद कहता है रंस एंड, तो रंस एंड जो है ये लिखा गया था सुनील गावस्कर के द्वारा, यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा और न्यू इंडिया कॉमनवेल्थ एनिवेसेंट के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है सुमेलित करने के लिए, तो बारदोली सत्याग्रह के नेता कौन थे? तो ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। चंपारण सत्याग्रह जो 1917 में हुआ था, इसका नेता था महात्मा गांधी। कूका आंदोलन, जो कि कूका आंदोलन पंजाब क्षेत्र में प्रभावित हुआ था, तो इसमें राम सिंह कूका नेतृत्व किया था। और लाल कुर्ती अब्दुल गफ्फार खान के जो है नेतृत्व में किया गया था, खान अब्दुल गफ्फार खान। अगले प्रश्नों को देखें। कथा 1937 ईस्वी में संपन्न विधानसभा चुनावों में इंडियन नेशनल कांग्रेस को निम्न में से किस प्रांत में पूर्ण बहुमत नहीं मिला? पूर्ण बहुमत जो है इसे पंजाब प्रांत में नहीं मिला था, और इसका शासन जो है केवल 28 महीना ही चल पाया था 1937 के जो है प्रांतीय चुनाव में। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है किस बात ने गांधी जी को फरवरी 1922 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने के पर बाध किया? सविनय यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर होगा असहयोग, चूँकि असहयोग आंदोलन जो है होगा, क्योंकि 1920 से 1922 ईस्वी तक जो है असहयोग आंदोलन चलाया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। तो 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा एवं अन्य स्थानों पर हिंसक हुई थी, इस घटना से दूषित होकर महात्मा गांधी ने दुखित होकर जो है असहयोग आंदोलन को वापस कर लिया था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? तो इसकी नीति की देखा जाए तो यही था कि यह पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन देने मिलने पर ब्रिटेन को सहयोग करेंगे, अर्थात पूर्ण स्वतंत्रता मिलेगा इसलिए यह सहयोग करेंगे, ये जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नीति रहा था। अगला प्रश्न देखें। लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन रद्द कर दिया, और किस वर्ष जो है यह विभाजन समाप्त कर दिया गया?
तो ये जो है 1911 में घोषणा हुई थी और 1912 में समाप्त किया गया। अगले प्रश्नों को देखें, कथा लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था, तो लाल कुर्ती दल जो है संगठित किया गया था तो ये अंग्रेजों को निकालने के लिए भारत से। अगले प्रश्नों को देखें, कथा है सूची एक को सूची दो के साथ मिलान करना है, एक तरफ राज्य है एक तरफ जो है राजधानियां है। असम का कहां पर है राजधानी, तो दिसपुर। नागालैंड का कहां पर है, तो कोहिमा। अरुणाचल प्रदेश का, तो अरुणाचल प्रदेश का है ईटानगर। और मेघालय का राजधानी शिलोंग। अगले प्रश्नों को देखें, कथा है निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है, तो ये 200 औसत जो है मिलीमीटर वर्षा होती है जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से कौन ऑक्साई चीन का भाग है, तो काराकोरम श्रेणी जो है ऑक्साई चीन का भाग है। अगले प्रश्नों को देखें, कथा है चकमा निम्न में से किस देश के शरणार्थी हैं, तो ये बांग्लादेश के शरणार्थी हैं। अगले प्रश्नों को देखें, मध्य प्रदेश में कोरबा किस लिए जाना जाता है, तो कोरबा मध्य प्रदेश में जो है और ये जाना जाता है एल्युमिनियम उद्योग के लिए। अगले प्रश्नों को देखें, सूची एक सूची दो के साथ मैचिंग कराना, एक तरफ जगह है और एक तरफ जो है इनसे संबंधित क्या क्या वहाँ पर उत्पादित होता है, तो ये जो है सिंगरौली में क्या है, तो सिंगरौली कोयला के लिए प्रसिद्ध है। और कजराइट, तो कजराइट में जो है ये जो है सीमेंट उद्योग है। और कोयली में तेल है और आनंद में जो है दूध उद्योग है। कोयली में तेल, आनंद में दूध उद्योग। अगले प्रश्नों को देखें, कथा है भारत में लोह अयस्क निम्न में से किस क्रम की सेल में पाया जाता है, तो लोह अयस्क पाया जाता है धारवाड़ सेल में। अगले प्रश्नों को देखें, कथा है सूची एक को सूची दो के साथ मिलान करना है, एक तरफ जो है परियोजनाएं हैं और एक तरफ जो है इनसे संबंधित है नदियां, तो भाखड़ा नांगल परियोजना ये सतलज नदी पर है, हीराकुंड बांध परियोजना महानदी पर है, इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है और नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी पर है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है बोल्गा नदी कहाँ गिरती है, तो बोल्गा नदी जो गिरती है कैस्पियन सागर में। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें क्या कहलाती है, तो उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलेगी तो उसे व्यापारिक पवन कहेंगे। अगले प्रश्नों को देखें, स्वेज नहर किन दो सागरों को मिलाती है, तो स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को मिलाती है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है ग्रहों के बारे में क्या सत्य है, तो ग्रहों के बारे में सत्य यही है कि ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं। अगले प्रश्नों को देखें, कथा निम्नलिखित में से कौन संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी है, तो संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी है, सऊदी अरब की रियाद। अगले प्रश्नों को देखें, कथा निम्न में से कौन सा राज्य नोलेन गुड़ के लिए अद्वितीय है, तो नोलेन गुड़ के लिए अद्वितीय राज्य कौन सा है, तो यह वेस्ट बंगाल। अगले प्रश्नों को देखें, सूची एक सूची दो के साथ मेलेन करना है, एक तरफ राज्य है एक देश है और एक तरफ जो है राजधानियां है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है और ताजिकिस्तान की राजधानी दुशानबे है। तंजानिया की राजधानी की बात करें तो ये डोडोमा है और स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। अगले प्रश्नों को देखें, कथा डायमंड हार्बर तथा साल्ट लेक सिटी ये कहाँ स्थित है, तो ये जो है कोलकाता में स्थित है। निम्नलिखित में से मधुबनी जिले के संदर्भ में क्या सही है, तो यह जिला दरभंगा प्रमंडल का भाग है ये सत्य है। और यहाँ पर कपिलेश्वर नाथ मंदिर है ये भी सत्य है। और सुखेत मॉडल की अवधारणा इस जिले से संबंधित है ये भी सत्य है। और कथा हलेश्वर स्थान इसी जिला में है, हलेश्वर स्थान इसमें नहीं है बल्कि सीतामढ़ी जिला में है। तो फिलहाल आपका आंसर ई होगा, इनमें से एक से अधिक जो है सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें, कथा है बॉक्साइट किसका अयस्क है, तो बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। अगले प्रश्नों को देखें, कथा है किस राज्य द्वारा जो है विरासत अर्थात प्राकृतिक उत्तराधिकार अभियान शुरू की गई, तो ये शुरू की गई थी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा, यूपी के द्वारा, तो ऑप्शन हो जाएगा ई कि इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें, कथा निम्नलिखित में से कौन सा मिलान जो है सही नहीं है, तो देखते हैं
तो ये जो है आपका डेट्राइट ऑटोमोबाइल्स के लिए प्रसिद्ध है, सत्य है। और मैगी मैगीटोगोर्स्क लौह इस्पात के लिए भी सत्य है। और कहता है जोहान्सबर्ग ये स्वर्ण सोने उत्खनन के लिए भी प्रसिद्ध है। और बर्मिंघम जलपोत के लिए नहीं, बर्मिंघम जो है लौह इस्पात के लिए प्रसिद्ध है। तो आपका डी जो यह विकल्प सुमेलित नहीं है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव जो है प्रांतीय सभाओं के द्वारा हुआ था, प्रांतीय विधानसभाओं के द्वारा हुआ था। अगले प्रश्नों को देखें। कथा है केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा, तो यह है किस अनुसूची में? तो यह सातवीं अनुसूची में है। और इसी के अनुसार जो है संघ सूची, राजसूची और समवर्ति सूची, तीन प्रकार के जो है सूचियाँ जारी होती है। अगला प्रश्न देखें। कथा राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नांकित में से किस आधार पर दिया जाता है? तो उनकी जनसंख्या के आधार पर जो है प्रतिनिधित्व का बंटवारा किया गया है, आवंटन किया गया सीटों का। अगले प्रश्न को देखें। कहता है राज्यसभा के संदर्भ में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही है? तो कहता है इसके एक तिहाई सदस्य प्रति दो वर्ष में अवकाश प्राप्त करते हैं, तो यही कथन आपका जो है सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है बिहार में किस नाम से ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ की गई है? तो बिहार में जो है ऑनलाइन नाम से जो है कक्षा प्रारंभ किया गया, तो इसका नाम था मेरा दूरदर्शन, दूरदर्शन मेरा विद्यालय, मेरा विद्यालय। तो ये आपका जो था इस नाम से प्रोग्राम चालू किया गया था, तो ऑप्शन हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है भारत का पहला विश्व विरासत शहर कौन सा है? तो भारत का पहला विश्व विरासत में जोड़ा गया शहर था अहमदाबाद, अहमदाबाद। तो इस प्रकार से आपका आंसर जो हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को किया गया था, तो ये नागौर जिला से किया गया था, राजस्थान से। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 314 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन किया गया था, तो 1955 ईस्वी में जो है भाषा राजभाषा का गठन किया गया था बी जी खेरे की अध्यक्षता में। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है ताई अहोम और मटक समुदाय का संबंध किस राज्य से है? तो ताई अहोम और मटक इनका संबंध जो है प्रॉपर रूप से जो है तो यह है असम राज्य से, तो असम राज्य आपका ऑप्शन में है नहीं, तो ऑप्शन हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है निम्न में किसका संबंध जो है चुनाव आयोग से नहीं है? तो चुनाव आयोग से संबंध जो नहीं है तो वो चुनाव की अधिसूचना जारी करना, ये जो है चुनाव आयोग का जिम्मेवारी नहीं बल्कि ये केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है, जबकि चुनाव चिन्ह का बंटवारा करना, चुनाव की वैधता का निपटारा करना, ये सब चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है भारत के जो है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद की नियुक्ति का कार्यकाल कितने वर्ष के लिए होता है? तो इसके पद की कार्यकाल जो है 6 वर्षों के लिए होती है। अगले प्रश्नों को देखें। कथा निम्नलिखित योजनाओं और कार्यक्रमों का मेल करना है, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में क्या हुआ था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो है ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952 में चालू हुआ था, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में तीव्र औद्योगिकरण किया गया था। फिर उसके बाद कथा है तृतीय योजना में जो है आधारभूत उद्योगों का प्रसार किया गया था। फिर चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में, तो चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में जो है शुरू किया गया था स्वावलंबन की प्राप्ति एवं अस्थिरता के साथ समृद्धि, तो ये किया गया था। और पंचम पंचवर्षीय योजना जो हुआ था उसमें न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम चलाया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो भारत की अर्थव्यवस्था की बात करें तो मिश्रित है, और ये गरीब अर्थात ये जो है अमीर देशों की सूची में नहीं आता है, अगर अमीर देशों की सूची में आता तो विकसित हो जाता, ये जो है विकासशील देशों की सूची में आता है। अगले प्रश्नों को देखें। कहता है आठवीं पंचवर्षीय योजना में वार्षिक विकास दर का लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया था? तो आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 रहा था, और इसका विकास दर जो है 5.6% रखा गया था। अगला प्रश्न देखें। कहता है भूमि विकास बैंक
का कौन सा कार्य सत्य है? तो भूमि विकास बैंक जो है ये दीर्घकालीन ऋण कृषकों को उपलब्ध कराता है, ये बात जो है सत्य है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है? तो अप्रत्यक्ष कर जो है बिक्री कर जो है अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है किस राज्य ने खेलों को उद्योगों का दर्जा प्रदान किया? तो खेलों को उद्योगों का दर्जा देने वाला भारत का प्रथम राज्य जो है वो है मिजोरम है। तो आपका ऑप्शन में मौजूद नहीं है मिजोरम, तो ऑप्शन हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है NAFID संबंधित है किससे? तो ये कृषि विपणन से संबंधित है। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नांकित में से कौन भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं है? तो भारत में सहकारी कृषि के विचार का समर्थक नहीं है, तो ये है आपका चौधरी चरण, या अर्थात ये जो है चरण सिंह है, चौधरी चरण सिंह। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित में से किस मिशन की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर नहीं की गई? तो साथियों, इसमें राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन की घोषणा की गई थी 75वें स्वतंत्रता दिवस 2021 में, जबकि हर घर जल की मिशन की भी घोषणा नहीं की गई थी, सबके लिए शिक्षा सबके लिए मिशन की घोषणा नहीं की गई थी। और देखिए विकल्प को, तो और जो है डिजिटल ट्रांजेक्शन मिशन, इसकी भी घोषणा नहीं की गई थी। तो ऑप्शन हो जाएगा ई, कि इनमें से एक से अधिक है जिसकी घोषणा नहीं की गई। अगले प्रश्नों को देखें, एक तरफ जो है योजना है, एक तरफ जो है उनसे संबंधित कार्य क्षेत्र को दिया गया है। देखते हैं कौन से योजना किस कार्य क्षेत्र को दर्शाती है। तो कहता है स्वजल धारा योजना, तो स्वजल धारा योजना जो है ग्रामीण जल आपूर्ति के लिए है। फिर हरियाली योजना, ये है वाटर शेड के लिए। फिर कहता है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, तो ये है ग्रामीण स्वरोजगार के लिए है। तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद कहता है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, तो ये जो है ये ग्रामीण संपर्क के लिए है। तो ऑप्शन इस प्रकार से आपका हो जाएगा, यानी कि स्वजल धारा योजना ग्रामीण जल आपूर्ति से, और हरियाली योजना वाटर शेड से, और स्वर्ण जयंती ग्राम प्रबंधन स्वरोजगार योजना, तो यह है ग्रामीण रोजगार से, और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, यह है ग्रामीण संपर्क से। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है भारत में निर्धनता के स्तर का आकलन किया जाता है? तो परिवार के उपभोग व्यय के आधार पर किया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है डायनेमो का कार्य क्या है? तो डायनेमो जो है ऊर्जा के रूपांतरण में यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, जबकि विद्युत मोटर जो है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। और बैटरी की बात करें तो रासायनिक ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में बदलता है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता फ्यूज में क्या होता है? तो फ्यूज में जो है उच्च प्रतिरोध होता है और निम्न गलनांक होता है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है थर्मोस्टेट संबंधित है? तो ये जो है एक समान तापमान को बनाए रखने का इसका कार्य होता है, तो ये तापक्रम से संबंधित है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है धूप से बचने के लिए छाते में किस रंग का संयोजन, अर्थात कैसा रंग लगाना चाहिए ऊपर और नीचे? तो धूप से बचने के लिए छाते में जो है ऊपर उजला रंग और नीचे काला रंग लगाया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत जो है उबलते जल से। तो भाप से अधिक जो है दर्द महसूस होता है, अधिक जलता है, इसका मतलब है कि भाप में गुप्त ऊष्मा जो है अत्यधिक मात्रा में होती है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है दूरबीन का आविष्कार, तो ये गैलीलियो के द्वारा किया गया था। अगले प्रश्नों को देखें, सड़क पर जो है चलने की अपेक्षा बर्फ़ पर चलना कठिन होता है, और इसका कारण है कि बर्फ़ पर जो है घर्षण, अर्थात सड़क की अपेक्षा जो है घर्षण कम होता है इसी कारण से, क्योंकि हम चलते हैं घर्षण के कारण से ही। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है हल्के लोहे की कील जो है पारे पर तैरती है जबकि वह पानी में डूब जाती है। तो लोहे की कील पारे पर तैरती है, इसका कारण यह है कि लोहा का जो है घनत्व पारा से कम है और पानी से अधिक है, इसीलिए पानी में डूबता है और पारा में तैरता है। अगले प्रश्नों को देखें,
कहता है वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है, तो सबसे अधिक गैस जो है देखा जाए तो नाइट्रोजन है 78% और ऑक्सीजन है 21% और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03%। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है डीजल इंजन में प्रयुक्त ईंधन क्या है, तो डीजल इंजन में प्रयुक्त होता है डीजल की वाष्प और वायु। अगले प्रश्नों को देखें, पेंसिलिन लेड बना होता है, ये ग्रेफाइट का बना होता है। अगला सवाल देखें, कहता है न्यूट्रॉन बम की खोज, ये न्यूट्रॉन की आविष्कार किसने किया, तो जेम्स चैडविक के द्वारा किया गया। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है गैस इंजन की खोज किसने किया था, तो जी डमलर के द्वारा गैस इंजन की खोज की गई। अगले सवालों को देखें, निम्नलिखित में से कौन सा मूल तत्व है, तो रेत जो है मूल तत्व है, बाकी अन्य सभी जो है किसी न किसी का अपरूप है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है न्यूट्रॉन की आविष्कार, तो ये किया था जेम्स चैडविक ने। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है टेट्रा इथाइल लेड TEL पेट्रोल में मिलाया जाता है क्यों, इसीलिए मिलाया जाता है कि इसकी एंटी नॉकिंग रेटिंग जो है अर्थात अपस्फोटन दर को बढ़ाने के लिए। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है 2,4-D क्या है, तो 2,4-D जो है ये एक खरपतवार नाशी होता है, इनका उपयोग हम लोग खेतों में करते हैं खरपतवार को नाश करने में। कहता है निम्न में से किसका सही सुमेलित है, देखते हैं, सही सुमेलित नहीं है, तो स्वजीवी जो होते हैं उत्पादक होते हैं ये सत्य है, परजीवी उपभोक्ता होते हैं ये भी सत्य है, मृतोपजीवी विबंधक होते हैं ये भी सत्य है, कहता है तीर्ण भक्षी गौण उपभोक्ता होता है ये गलत है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है किस द्रव के एकत्रित होने पर जो है मांसपेशियों में थकान का अनुभव होने लगती है, तो लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण जो है मांसपेशियों में थकान होती है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है साधारण मानव में गुणसूत्र होते हैं, तो साधारणतः मानव में 46 गुणसूत्र होते हैं। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है किसके द्वारा, तो EEG के द्वारा जो है पहचाना जा सकता है, जबकि ECG का प्रयोग जो है हृदय संबंधी कार्य की पता लगाने में किया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें, वल्लभाचार्य की धार्मिक ग्रंथ क्या है, तो वल्लभाचार्य का जो है धार्मिक ग्रंथ की बात करें तो यह है अनुभाष्य या फिर इन्हीं को ब्रह्मसूत्र कहा गया है, तो ऑप्शन में मौजूद नहीं है, तो होगा इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें, कथा इथेनॉल प्रोत्साहन नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य है बिहार। अगले प्रश्नों को देखें, विटामिन डी का स्रोत क्या है, तो विटामिन डी का जो है मुख्य स्रोत यह होता है सूर्य का प्रकाश। अगले प्रश्नों को देखें, कथा एड्स, तो एड्स जो है वायरस के कारण होता है और उस वायरस का नाम होता है HIV ह्यूमन इम्यूनियो डेफिशिएंसी वायरस। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है इंसुलिन एक प्रकार का क्या है, तो ये एक प्रकार का हार्मोन है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है भारी जल एक प्रकार का क्या होता है, तो भारी जल जो है एक प्रकार का मंदक होता है, नाभिकीय रिएक्टर में इसका प्रयोग न्यूट्रॉन के मंदक के रूप में किया जाता है भारी जल और ग्रेफाइट का। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है महापुरुषीय धर्म संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो ये महापुरुषीय धर्म संप्रदाय की स्थापना की बात करेंगे तो ये किया था शंकर देव के द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन में मौजूद नहीं है, तो होगा इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है भावार्थ दीपिका, तो भावार्थ दीपिका नामक टीका किस भाषा में लिखी गई, तो भावार्थ दीपिका नामक जो है टीका ये लिखा गया था ज्ञानेश्वर के द्वारा, और ये जो है मराठी लेखक था, तो ये जो है मराठी भाषा में लिखा गया था, तो ऑप्शन हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें, कहता चिपको आंदोलन किससे संबंधित था, तो ये वृक्षों को काटने से बचाने से संबंधित था, तो ये जो है 1973 ईस्वी में सुंदरलाल बहुगुणा के द्वारा उत्तराखंड में जो है चलाया गया था। अगले प्रश्नों को देखें, सुमेलित करना एक तरफ दिवस है एक तरफ जो है दे और उसका दिन दिया गया है उसे किससे संबंधित है, तो 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस और 5 सितंबर को राष्ट्रीय एड्स दिवस और 5 सितंबर को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस और 16 अक्टूबर को खाद्य दिवस मनाया जाता है। अगले प्रश्नों को देखें, कथा हेलसिंकी किसकी राजधानी है, तो फिनलैंड की राजधानी है हेलसिंकी, जबकि नॉर्वे के ओस्लो, डेनमार्क की राजधानी है कोपेनहेगन। अगले प्रश्नों को देखें, कथा है सरदार सरोवर
से सर्वाधिक लाभ मिलता है। तो सरदार सरोवर बांध ये नर्मदा नदी पर है और इससे जो है सर्वाधिक लाभ की बात होगी तो ये गुजरात को मिलेगी। अगले प्रश्नों को देखें, पारिस्थितिकी के जनक कौन है? तो पारिस्थितिकी अर्थात इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है अर्नेस्ट हैकल के द्वारा किया गया, जबकि इकोलॉजिकल सिस्टम का जो है प्रयोग सर्वप्रथम एजी टॉन्सले के द्वारा किया गया। अगले प्रश्नों को देखें, कहता जीव मंडल आरक्षित परिक्षेत्र हैं? तो यह जो है आनुवंशिक विभिन्नता के क्षेत्र हैं। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है जलीय पर्यावरण में DDT सांद्रण के आंकलन के आधार पर आहार श्रृंखला में प्रदूषण का स्तर निम्नांकित अनुक्रम में बढ़ता है, तो किस प्रकार से बढ़ता है? तो ये जो है जलपादप, घोंघा, मछली और पक्षी इस प्रकार से एक दूसरे को खाते पीते बढ़ता है। अगले प्रश्न को देखें, किस नगर के प्रदूषण करने वालों उद्योगों को प्राकृतिक गैस आधारित प्रौद्योगिकी में सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार परिवर्तित करना होगा? तो ये आदेश सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा आगरा शहर वाले को दिया गया है, उद्योगों वालों को। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक MPI निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जो है वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक ये मानव विकास पहल है कि पहल के द्वारा और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ये दोनों के द्वारा सम्मिलित रूप से जारी किया जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा ई, इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें, कथा कोणार्क मंदिर, तो ये जो है कोणार्क उड़ीसा में स्थित है सूर्य मंदिर, तो इसे बनवाया था नरसिंह देव बर्मन के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें, कथा निम्नलिखित में से कौन सी समिति लद्दाख की भाषा के संरक्षक से संबंधित है? तो लद्दाख क्षेत्र के लिए भाषा के संरक्षक से संबंधित समिति का गठन किया गया, तो ये अध्यक्ष कौन है इसके? तो इसका अध्यक्ष देखेंगे तो जी किशन रेड्डी है अध्यक्ष, जी किशन रेड्डी की अध्यक्षता में किया गया। तो ऑप्शन हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है नव न्याय संप्रदाय स्कूल के संस्थापक कौन थे? तो नव्य न्याय स्कूल के संपादक के जो है बात करें तो ये हैं गंगेश। अगले प्रश्नों को देखें, कथा निम्नलिखित जोड़ों में से कौन सा सुमेल है देखते हैं? तो एलोरा के गुफा का मंदिर का निर्माण ये करवाया था राष्ट्रकूटों के द्वारा, ये गलत है। फिर कथा मीनाक्षी मंदिर, तो ये जो है पांडवों के द्वारा करवाया गया, ये भी गलत है। खजुराहो मंदिर ये जो है मध्य प्रदेश में है कन्हैया महादेव, तो ये चंदेल शासकों के द्वारा, ये सत्य है। और कथा महाबलीपुरम के मंदिर, तो ये जो है पल्लव शासक के द्वारा करवाया गया था। अगले प्रश्नों को देखें, कथा है गंधार कला शैली एक संश्लेषण है? तो गंधार कला शैली जो है ये भारतीय तथा यूनानी कला का उदाहरण है। अगले प्रश्नों को देखें, भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? ये बिहार में जो है पहली बार राष्ट्रपति शासन, तो बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन 29 जून 1968 को लगाया गया था। अगले प्रश्नों को देखें, कथा गंगा के दक्षिणी मैदान में निम्नलिखित में से कौन सी नदी प्रवाहित नहीं होती है? तो ये बागमती नदी प्रवाहित नहीं होती है, ये उत्तर साइड में मिलती है यानी कि बाएं तट पर मिलती है, बाकी फल्गु, पुनपुन और पैमार ये सब गंगा के दाहिनी छोर पर मिलती है। अगले प्रश्नों को देखें, गोगाबिल पक्षी बिहार ये बिहार के कटिहार जिला में है। अगले सवाल को देखें, बिहार में अफीम की खेती कहाँ की जाती है? तो ये मुंगेर जिला में की जाती है। अगले सवाल को देखें, कहता है 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की शहरी जनसंख्या कितना है? तो 1175,80,16 ये इतना है, अर्थात 1,17,58,016 व्यक्ति। अगला प्रश्न देखें, कहता है दांतों पर जमी परतें में क्या क्या रहती है? तो दांतों पर जो जमी हुई परतें रहती है उसमें भोजन के कण, थूक, मुख अम्ल और बैक्टीरिया होते हैं। अगले प्रश्नों को देखें, कथा नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए प्रसिद्ध था? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त प्रथम के द्वारा किया गया और यह बौद्ध धर्म दर्शन के लिए प्रसिद्ध था। अगले प्रश्नों को देखें, धर्मत का युद्ध निम्न में से किसके बीच लड़ा गया था? तो धर्मत का युद्ध हुआ था औरंगजेब और दारा सिको के बीच 1658 में। अगले प्रश्नों को देखें, कथा है समुद्र शक्ति रक्षा अभ्यास किन दो देशों के मध्य संपन्न होती है? तो समुद्र शक्ति रक्षा अभ्यास ये भारत और इंडोनेशिया के बीच होती है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है निम्न में से किस राज्य सरकार ने प्राकृतिक संरक्षण मिशनों के प्रबंधन के लिए पहला
विशेष प्रयोजन वाहन स्थापित किया? तो ये तमिलनाडु सरकार के द्वारा किया गया। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है इनमें से किस राज्य की कैबिनेट ने नियोक्ताओं और कर्मचारियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए औद्योगिक संबंध नियम 2021 को मंजूरी दे दी है? तो यह है असम सरकार। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है प्राचीन समय में पटना का नाम क्या था? तो पटना का नाम अजीमाबाद, पुष्पुर, कुसुमपुर ये सभी था। तो ऑप्शन हो जाएगा ई कि इनमें से एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें, वेस्ट इंडीज़ के किस ऑलराउंडर खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा किया? तो यह है डेरेन ब्रावो। अगले प्रश्नों को देखें, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, देखते हैं। तो कहता है पादप पोषक तत्व का ये जो है कार्य के लिए है, तो ये सत्य है। नाइट्रोजन वृद्धि और विकास के लिए है, ये भी सत्य है। फॉस्फोरस जड़ विकास के लिए, ये भी सत्य है। तो पोटेशियम एस्टोमेटा के खुलने एवं बंद होने के नियंत्रण करता, ये गलत है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है भारतीय वायुसेना और किस संगठन ने स्वदेशी रूप से विकसित स्मार्ट एंटी एयरफील्ड हथियार के दो उड़ान के सफलतापूर्वक परीक्षण किए? तो ये किया था भारतीय वायुसेना और DRDO। अगले प्रश्नों को देखें, कहता बिहार के किस जिले में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य है? तो बिहार के भागलपुर जिला में है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य। तो भागलपुर आपका ऑप्शन में नहीं है, तो होगा इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें, कहता भारत के किस शहर में एक साथ ये जो है 941,551 दीप जलाने का विश्व रिकॉर्ड यानी कि गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में दर्ज किया गया? तो ये जो है अयोध्या में दर्ज किया गया। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है निम्न में से किस देश ने बड़े पैमाने पर इन्फ्लेटेबल मिसाइल डिटेक्शन सिस्टम का परीक्षण किया? तो ये किया है इजराइल। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है निम्न में से किस राज्य सरकार ने राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों पर मोटर वाहनों करों और पंजीकरण शुल्क में पूर्ण छूट प्रदान करने की घोषणा किया है? तो ये ओडिशा सरकार के द्वारा किया गया। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है केंद्रीय शिक्षा मंत्री जो कि वर्तमान में धर्मेंद्र प्रधान है, तो कहता है ये कितनी भाषाओं में आम बोलचाल वाले वाक्य सीखने में मदद के लिए संगम ऐप लॉन्च किया है? तो ये संगम ऐप लॉन्च किया है, तो ये 22 भाषाओं में जो है उपलब्ध है। अगले प्रश्नों को देखें, कहता भारत सरकार और विश्व बैंक ने किस राज्य में स्वास्थ्य में सुधार के लिए $40 मिलियन के एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया? तो ये मेघालय राज्य के लिए किया। अगले प्रश्नों को देखें, कहता पिथौरा चित्रकला किस जनजाति से संबंधित है? तो पिथौरा चित्रकला ये जो है जनजाति से संबंधित है, तो ये जनजाति भील जनजाति है और ये मध्य प्रदेश में रहने वाले हैं, तो होगा ई इनमें से कोई नहीं, क्योंकि भील जनजाति ऑप्शन में मौजूद नहीं है। अगले प्रश्नों को देखें, इनमें से किस मिशन को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है, तो ये है स्वच्छ राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन। अगले प्रश्नों को देखें, कहता राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के किस प्राधिकरण के किस राज्य के गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान और तमोर पिंगला वन्यजीव अभयारण्य को एक नया टाइगर रिजर्व घोषित किया? तो घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, तो यह है छत्तीसगढ़ में। अगले प्रश्नों को देखें, कहता है विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख जो वर्तमान में है ट्रेडोस घेब्रेयेसस, तो इसका कार्यकाल जो है पुनः बढ़ा दिया गया है, तो 5 वर्षों के लिए बढ़ाया गया है। तो यह था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।